नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। पंजाब के रोपल जेल में बंद माफिया और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस मामले में कार्यवाही शुरू हो गई है। इस संदर्भ में बाराबंकी की नगर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया है। और जानकारी के अनुसार आप सभी को बता दूं, धारा 420, 419, 467 और 468 समेत कई धाराओं में केस को दर्ज किया गया है और एसपी बाराबंकी के निर्देश पर एम्बुलेंस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, तारीख 2 अप्रैल 2011। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि रात में ही भारत की लाखों करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। यह ऐसा पल था जिसका इंतजार कितने ही लोगों ने करीब 28 साल तक किया था। यह इंतजार था क्रिकेट के वर्ल्ड कप का, जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सच हुआ। और जश्न के साथ साथ क्रिकेट फैंस भावुक भी थे और मैदान पर भारतीय क्रिकेटरों की आंखों में आंसू थे। लेकिन खुशी के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठा करके स्टेडियम में घुमाया जा रहा था। यह केवल एक तारीख ही नहीं रही है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास बन चुका है। ऑयन मॉर्गन की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल खिताब से 7 साल के सूखे को खत्म करना चाहेगी। आईपीएल 2012 और 2014 की विजेता केकेआर इस सीजन में अपना मुकाबला 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी और पिछले सीजन में कोलकाता की टीम को 7 मैचों में जीत मिली थी, जबकि इतने ही मैचों में हार भी मिली थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बराबर अंक लाकर भी केकेआर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई थी। देश के अंदर कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बेलगाम हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 81,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। पिछले साल ही तरह इसी साल महाराष्ट्र कोरोना के संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले एक दिन के अंदर कोरोना के 43,183 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 81,466 नए मामले सामने आए, जबकि 469 लोगों की मौत भी हो चुकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणबीर कपूर की लव स्टोरी किसी से भी छिपी हुई नहीं है। एक समय ऐसा था कि रणबीर और दीपिका के अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में इतने थे कि लोग कहते थे कि जल्द दीपिका पादुकोण कपूर खानदान की बहू बन जाएंगी। लेकिन रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही टूट गया। दोनों की प्रेम कहानी से लेकर के ब्रेकअप तक के बारे में सभी को खबर है, लेकिन दीपिका को इस रिश्ते के टूटने के बाद इतनी बिखर गई थी कि उन्हें डिप्रेशन हो गया और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वह रणबीर कपूर दर्द देकर के दवा बने थे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।